नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप देख रहे हैं ई विद्या चैनल नंबर 12 और हमारा यूट्यूब चैनल दैट इज एन सी आप सभी का स्वागत करती हूं मैं रेणु भट्ट अपने इस लाइव इंटरेक्शन में और इस सत्र को हम लेकर आते हैं टीचिंग लर्निंग इंटरवेंशन फॉर इंक्लूसिव क्लासरूम्स पर जहां पर हम अपनी समझ का दायरा बढ़ाते हैं समावेशी कक्षा के प्रति और जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं वो हम आपके साथ साझा करें इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप टेलीविजन स्क्रीन पर मेरे साथ देख रहे हैं हमारे साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर को चलिए उनसे परिचय लेते हैं आप हैं मिस सावरी रोहिला सावरी आपका बहुत बहुत स्वागत है द टॉपिक दैट वी हैव टूडे फर दिस पर्टिकुलर सेशन इज साइकोजी एंड दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज़ फॉर आर ट्वेल्थ स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स तो साइकोलॉजी पर हम बात करने वाले हैं टॉपिक है मीटिंग लाइफ चैलेंजेस लाइफ चैलेंजेस क्या होता है और इसको हम साइकोलॉजी में किस टर्म से हम डिफाइन कर सकते हैं क्या कॉजेज़ होते हैं क्या सिम्टम्स होते हैं और बच्चों ये आपकी मेंटल हेल्थ पे किस तरह से असर डालता है और किस तरह से आप उससे बच सकते हैं या फिर उसे मैनेज कर सकते हैं आपको बताएंगे हमारे एक्सपर्ट जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं तो चलिए उनसे परिचय लेते हैं आप हैं मिस विदीना महाजन मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू गुड मॉर्निंग और मैम के बारे में हम बच्चों आप सभी को कुछ बात बता दें कि मैम लेक्चरार हैं अमर ज्योति रिहेबिटलाइजेशन एंड चैरिटेबल सेंटर कर्कर्डूमा दिल्ली से आपके मन में कोई भी क्वेश्चन आ रहा हो या फिर कुछ ज़्यादा जानना चाहते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से जुड़ा हुआ मीटिंग लाइफ चैलेंजेस इस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं आप हमसे हमारे वेरियस मीडियम से जुड़ सकते हैं आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे टेलीफोन नंबर पर जो है डबल एट डबल ज़ीरो डबल फोर जीरो डबल फाइव नाइन इधर यू कैन ड्रॉप अ मेल आज टेल्व हमारा ई मेल एड्रेस है डी टी एच डॉट क्लास ट्वेल्थ एट द रेट सी आई टी डॉट एन आई सी डॉट आई एन तो इन माध्यमों से आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी तमाम प्रतिक्रिया और अपने प्रश्न हम तक पहुँचा सकते एंड वी आर वेटिंग फॉर योर पार्टिसिपेशन बिकॉज वी ब्रिंग दिस सेशन जस्ट फॉर यू तो हम शुरू करते हैं अपने आज का सत्र और मैम हम आपसे पास आएंगे मेकिंग लाइफ चैलेंजेस ये टॉपिक बहुत ही uh, अच्छा लग रहा है सुनने में और बहुत ही रिलेटेबल है हम कह सकते हैं कि आज के समय में आज के दौर में हम बच्चों से बहुत ही अच्छे से रिलेट कर सकते हैं और ये ज़रूरत है इस पर बात करने की तो क्या कुछ स्पेशल है आपके पास हमारे लर्नर्स के लिए मैम ठीक है सबसे पहले मीटिंग लाइफ चैलेंजेस में हम बात करेंगे एक मेन टॉपिक जो बहुत कॉमन है आजकल स्ट्रेस हर कोई बोल रहा है मुझे स्ट्रेस है मुझे स्ट्रेस है मुझे स्ट्रेस है तो अगर आप देखें इस पिक, एक पिक्चर मैं दिखा रही हूँ उसमें क्या है प्रॉब्लम है जॉब की ग्रेड्स की मनी पेरेंट्स स्कूल ड्रग्स मल्टीपल थिंग्स एक और पिक्चर मैं दिखा रही हूँ आपको अब एक पिक्चर है जिसमें जिब्रा का कलर स्ट्राइप चेंज हो रहे हैं राइट अब इसमें हम देखें ये क्या है हम बहुत कॉमनली बोलते हैं स्टूडेंट्स आजकल बहुत बोलते हैं कि मैम हमेरा ना फॉल हो रहा है मुझे स्ट्रेस हो रहा है तो बेसिकली स्ट्रेस है क्या स्ट्रेस एक इंसान का फिजिकल या इमोशनल रिएक्शन है कोई भी बदलाव हो रहा है जो हमारी ज़िंदगी में अब वो बदलाव पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है hmm. अब स्ट्रेस अगर हम एक फिर से बोलें क्या है इट इज़ अ वियर एंड टीयर अब हम कुछ भी यूज कर रहे हैं घर में भी कोई सामान यूज कर रहे हैं वो खराब होता है टाइम के साथ या कोई ना कोई उसमें चेंजेस आते हैं तो वैसे ही हमारे दिमाग या बॉडी का जो वियर एंड टीयर है उसको हम स्ट्रेस बोलते हैं hmm. अब जैसे मैंने बोला स्ट्रेस दो तरीके का होता है पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है पॉजिटिव स्ट्रेस को हम बोलते हैं यू स्ट्रेस नेगेटिव स्ट्रेस को हम बोलते हैं डिस्ट्रेस पॉजिटिव स्ट्रेस फॉर स्पेशली अगर मैं स्टूडेंट्स का एग्जाम्पल लूँ अब ग्रेड ट्वेल्व का टॉपिक है ये स्ट्रेस मोस्टली जब हम बात करते हैं उनके पास ऑप्शन है अच्छा दो कॉलेज में एडमिशन हो गई जहाँ वो चाहते हैं पढ़ना hmm. अब उनको चूज करना है कि अच्छा इन दोनों में से कौन सा चूज करें दोनों में बहुत पॉजिटिव इफेक्ट है दोनों में उनकी अचीवमेंट है दोनों में परफॉर्मेंसेस का उनका देखा जाएगा तो ये यू स्ट्रेस है क्यों क्योंकि इसका जो रिएक्शन है वो पॉजिटिव रहेगा बाय दी एंड ऑफ इट डिस्ट्रेस है जो हमें नेगेटिविटी दिलाता ला, है कंफ्यूजन है डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं या कोई ना कोई प्रॉब्लम uh, चल रहे हैं मेडिकल इश्यूज चल रहे हैं वो डिस्ट्रेस है क्यों क्योंकि वो नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है हमारी लाइफ में hmm. इसके बाद अगर हम बात करें ये एक बेसिकली चार्ट है जो आपको साइकोलॉजी की बुक्स में मिल जाएगा कि हम psych, जब स्ट्रेस की बात करते हैं उसमें क्या क्या है क्या उसके टाइप्स हैं क्या उसके डायमेंशनस हैं उसका आपकी बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ता है बहुत जब हम बात कर रहे हैं नॉर्मल बच्चों की भी और स्पेशल बच्चों की भी दैट इज चिल्ड्रन विद डिसबलिटीज़ फिजियोलॉजिकल फ़िज़िकल इफेक्ट क्या है साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या है कल्चरली उनके लाइफ में अगर हम देखें अपनी सोसाइटीज़ के हिसाब से क्या इफेक्ट हो रहा है उसके रिसोर्सेज क्या है क्या क्या चीजें हैं जिसके कारण हम वो स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं और उसका हम स्ट्रेस अगर हम बोल रहे हैं स्ट्रेसफुल सिचुएशन है जरूरी नहीं है कि एक बच्चे के लिए वो स्ट्रेसफुल है तो वो दूसरे के लिए भी होगा एक्जैक्टली exactly. ओके okay, अब जब हम बात करते हैं स्ट्रेस की सपोज इमेजिन कीजिए आपके सामने एक शेर आ गया अब शेर आ गया आप क्या करेंगे कोई एक होगा वो उससे लड़ाई करेगा एक होगा वो उससे बच के भाग जाएगा इसको हम बोलते हैं फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स जो हम स्ट्रेस में बोलते हैं उसमें क्या होता है आपके सामने कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन जब आई है आपका ब्रेन उसको एक सोचता है कि अच्छा ये थ्रेटनिंग है डेंजरस है मुझे भागना है या इससे लड़ना है दूसरा स्टेप होता है जब आपके ब्रेन ने डिसाइड कर लिया वेदर आप फाइट करेंगे या भागेंगे वो एक हार्मोन रिलीज करता है आपके दोनों एक्शंस में से जो भी आप एक्शन ले रहे हैं उसको सपोर्ट करने के लिए तीसरा होता है एड्रिनल ग्लैंड है वो एड्रनल करता है जिसको हम एक पॉजिटिव हार्मोन भी बोलते हैं वो आपके जो हार्मोन सिग्नल्स हैं उसको आप कैसे परसीव करेंगे उसके लिए हेल्प करता है लास्ट स्टेप क्या है आपका हार्ट बीट बढ़ जाएगा आपके स्टमक में हम बोलते हैं कि बटरफ्लाइज हो रही हैं है। हमारा जो बॉडी है उसमें ब्लड uh, में शुगर मसल्स में शुगर रिलीज हो जाता है जिससे हम एक्ट ज़्यादा इजीली कर कर सकते हैं अब स्ट्रेस है क्या स्ट्रेस जब हम कहते हैं अरे मुझे स्ट्रेस हो रहा है तो आप में क्या फीलिंग्स होती हैं आपको परेशानी होती है आप वरी करते हैं टेंशन में रहते हैं थकान लगती है फिजिकली आपको लगता है कि बस सुबह उठते ही मैं थक गया हूँ डर लगता है कि क्या होने वाला है पॉजिटिव स्ट्रेस है तो बहुत खुश होते हैं कि अरे आज तो ये होने वाला है डिप्रेस भी हो जाते हैं कई बार एंशियस होते हैं घबराहट होती है गुस्सा भी बहुत आता है अगर स्ट्रेसफुल है हर छोटी बात पे हम चिड़चिड़े हो जाते हैं तो ये बेसिकली इमोशंस हैं जो स्ट्रेस के साथ हम एसोसिएट करते हैं अब इससे अगर हम नेक्स्ट पे जाएं कि सिम्टम्स क्या है कैसे पता चलेगा अच्छा हम स्ट्रेस में हैं स्ट्रेस के तीन सिम्टम्स होते हैं फिजिकल इमोशनल साइकोलॉजिकल अब अगर हम अगेन देखें ये सब के लिए हैं चाहे वो नॉर्मल इंसान है एबल बॉडीड है या डिसेबल्ड है हर कोई ये सिम्टम्स फॉलो या एक्सपीरियंस करता है अगर वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में है मैम यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूँगी sure. और सिम्टम्स की अगर हम बात करें कॉसेस की हम बात करें mm -hmm. तो जैसे बच्चे अपने आप को एक्सप्रेस करके बता सकते हैं कि मुझे ये हो रहा है चाहे उनको पता ना हो कि मैं स्ट्रेस में हूँ या नहीं हूँ वो अलग बात है लेकिन अगर हम अपने स्पेशल नीड बच्चों की बात करें तो स्ट्रेस तो उनको भी होता बिल्कुल, होगा बिल्कुल तो ऐसी सिचुएशन में वो अपनी बात कैसे बता सकते हैं और उनके सिम्टम्स को जानने का क्या माध्यम हो सकता है मैम जो आपने क्वेश्चन पूछा उसी पे हम जा रहे हैं हम बात कर रहे हैं सिम्टम्स की ठीक है जो बच्चे स्पेशल नीड्स वाले हैं वो शायद अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते लेकिन जब हम सिम्टम्स की बात करें मैंने आपको बोला तीन तरीके के होते हैं फिजिकल इमोशनल साइकोलॉजिकल ये हम सब एक्सप्रेस कर सकते हैं बोल के नहीं लेकिन हमारे एक्शन या हमारे फेशियल एक्सप्रेशन या मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कई बार होता है ये हमारे साथ भी होता था जब हम स्टूडेंट्स थे एग्जाम्स हैं स्ट्रेसफुल सिचुएशन है कईयों का पेट खराब हो जाएगा कईयों को बुखार हो जाएगा अब देखा जाए तो ये भी सिम्टम्स हैं स्ट्रेस के क्यों क्योंकि कोई रीज़न नहीं है उस बच्चे का पेट खराब होने का या बुखार होने का बट क्योंकि स्ट्रेसफुल सिचुएशन है वो बता नहीं सकता लेकिन एज टीचर्स एज पेरेंट्स हमको तो दिख रहा है ना कि वो बच्चा स्ट्रेस में है हुँ. तो ये सिम्टम्स छोटी छोटी बारीक बारीक चीज़ें हैं जो पेरेंट्स और टीचर्स समझ सकते हैं अभी इस पर एक्सपेंड करें अगर हम तो हम कह रहे हैं फिजिकल सिम्टम्स क्या क्या होते हैं अब ये आपने जैसे पूछा ये स्पेशल बॉडीड बच्चे हैं उनके लिए भी है और जो नॉर्मल है एबल बॉडीड हैं उनके लिए भी है अब क्या है स्लीप पैटर्न में चेंजेस जो हमारे स्लीपिंग आवर्स हैं आठ घंटा है, है पाँच घंटा है उसमें हम डिस्टर्बेंस हो जाती है थकान रहती है ठीक है डाइजेस्टिव चेंजेस जैसे मैंने आपको बोला पेट ख़राब हो जाएगा या नोजिया रहेगा वॉमिटिंग्स करेंगे बच्चे लॉस ऑफ सेक्सुअल ड्राइव ये तो एडल्ट्स में रहता है हेडेक्स है बिना किसी कारण के हम बोल रहे हैं हमारे सिर में दर्द रह रहा है वो भी एक फ़िजिकल सिम्टम है एक एंड पेंस अब वो कभी बोलते हैं हमारे टांगों में दर्द है कभी हाथ में दर्द है दोबारा बार बार इन्फेक्शन हो रहे हैं बिना किसी रीज़न के अब okay. अब वो इन्फेक्शन फ्लू भी हो सकता है ब्लड इन्फेक्शन हो सकते हैं कुछ भी हो सकता है इंडाइजेशन ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ डिजीनेस चक्कर आ रहे हैं फेंटिंग बच्चे फेंट हो जाते हैं बेहोश हो जाते हैं कई बार हमें बोलता है ट्रेम्बलिंग कप कभी ऐसी लगती है कि हमें बहुत ठंड लग रही है या स्वेटिंग शुरू हो जाती है बहुत ज़्यादा ये भी फिजिकल सिम्टम्स हैं ओके okay, हम सब बोलते हैं हमारे सुइयाँ चुभ रही हैं हाथों में mm. पैरों में वो भी <laughs> एक स्ट्रेस का सिम्टम है ब्रेथलेसनेस पैल्पिटेशन में बहुत तेज तेज से हम सांस ले रहे हैं कई बार हार्ट बीट में भी हम बोलते हैं नॉर्मली एक इंसान 72 टू टाइम हार बीच करता है लेकिन स्ट्रेसफुल में आपका वो सिक्सटी भी हो सकता है फिफ्टी भी हो सकता है ओके okay. तो वो भी बहुत ज्यादा भी, भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है नेक्स्ट है है ओके ठीक नेक्स्ट इमोशनल सिम्टम्स इसमें है बाउट्स ऑफ डिप्रेशन उदास रहना किसी से बात ना करना अपने फ्रेंड सर्कल से कट जाना की भाई अभी चाहिए तो अभी ही चाहिए अभी करना है मुझे ये तो मुझे अभी ही करना है फिट्स ऑफ रेज एकदम से गुस्सा आना चीज़ें उठाकर फेंकना किसी से बात ना करना बिना किसी रीजन के रोना या बात बात पे रोना आना पर्सनल हाइजीन और अपीयरेंस हम देख नहीं रहे हैं कि हम कैसे तैयार हो रहे हैं हमारा हाइजीन है हम नहा नहीं रहे हैं या हम अपना ब्रश कंगी नहीं कर रहे हैं ये सारे आपके इमोशनल सिम्टम्स हैं नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल सिम्टम्स लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन आप जो कर रहे हैं उस पर आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे ध्यान नहीं दे पाएंगे मेमरी लैपसेस ये हम सब के साथ होता है कोई काम दिया लेकिन कुछ परेशानी चल रही है वो काम भूल गए डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं कि अच्छा ये करना है या नहीं करना है ये सही है गलत है कंफ्यूजन, बहुत सारा मिस मिसकन mis, कि अच्छा ये सही है ये करें ना करें अच्छा वहाँ जाएँ ना जाए डिस डिस बेसिकली मूवमेंट से कनेक्टेड होता है कि जाना राइट है और भूल गया और लेफ्ट टर्न ले लिया ठीक है पैनिक अटैक्स पैनिक अटैक्स एक एक्सट्रीम सिम्टम है स्ट्रेस का जो सब में नहीं होता ओके okay. लेकिन बहुत केसेस में देखा गया है कि कई बच्चों को पैनिक अटैक्स भी हो जाते हैं स्ट्रेसफुल सिचुएशन में ओके okay, लास्ट है आपका बिहेवियरल बिहेवियरल जो आपके रोजमर्रा के लाइफ में इश्यूज क्रिएट करे एपिटाइट चेंजेस या तो हम बहुत सारा खाने लगेंगे अब बिल्कुल भूख खत्म हो जाएगी इसको हम ईटिंग डिसऑर्डर्स में भी बोलते हैं एनोरिक्सिया या बुलमिया ये एडल्ट्स के लिए आ गया आप वो अल्कोहल या अलग दूसरे ड्रग्स ले रहे हैं स्मोकिंग शुरू कर देते हैं रेस्टलेसनेस है एक जगह आप आराम से बैठ नहीं पा रहे हैं घबराहट है चीज़ों को छेड़ रहे हैं फिजिटिंग जिसको हम बोलते हैं कि कभी उठा रहे हैं कभी रख रहे हैं हाथ में कुछ पकड़ा है लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि हमें उससे क्या करना है नेल बाइटिंग बहुत कॉमन है hmm. हाइपोकॉन्ड्रिया बिना किसी चीज़ का डर बिना मालूम है कि नहीं समझ आ रहा कि क्यों हमें डर लग रहा है या नींद नहीं आ रही है या स्पेसेस में हमें क्लोज में घबराहट होती है हम कहते हैं अच्छा खिड़कियाँ खोल दो सारी hmm. ये सारे बिहेवियरल सिम्टम्स हैं हम बात करते हैं स्ट्रेसफुल सिचुएशन को कि हम कैसे बोलें कि ये स्ट्रेसफुल है तो एक ये हमारा नेचुरल प्रोसेस है बॉडी का या ब्रेन का हम कहते हैं प्राइमरी अप्रेजल है सेकेंडरी है प्राइमरी में ये जो हम बात कर रहे हैं अप्रेजल की ये सब आपका ब्रेन में चल रहा है आप फिजिकली नहीं कर रहे हैं प्राइमरी अप्रेजल में अगर हम बोलें तो क्या है पहला होता है कि अच्छा ये चैलेंज है या स्ट्रेसफुल चीज इन्फॉर्मेशन हमारे पास सिचुएशन है ये पॉजिटिव है न्यूट्रल है या नेगेटिव है ये एक बार पता चल गया जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया बिगनिंग में कॉलेज वाला hmm. तो वो पॉजिटिव है hmm. शेयर वाला है वो नेगेटिव है राइट right. बस मिस हो गई वो ना तो पॉजिटिव है ना वो नेगेटिव है पर तो तीनों स्ट्रेसफुल सिचुएशन हैं अब ब्रेन ने उसको एनालाइज किया उसके बाद हम देखते हैं कि अच्छा ये सिचुएशन जो है स्ट्रेसफुल सिचुएशन या चैलेंज है वो हमारे लिए हार्मफुल है मतलब वो कितना डैमेज कर सकती है या कितना डैमेज कर चुकी है दूसरा वो थ्रेटफुल है थ्रेटनिंग है कि फ्यूचर में वो क्या नुकसान कर सकती है तीसरा हम उसको प्रेजेंट में देखते हैं कि अच्छा हम उससे डील कर सकते हैं कि नहीं हम उसको मैनेज कर सकते हैं अच्छा हम करें उसमें फ़ायदा होगा या नुकसान होगा नहीं छोड़ दें तो क्या फ़ायदा होगा नुकसान होगा ये प्राइमरी अप्रेजल है ये विद इन सेकेंड्स होता है सब कुछ इसमें हम बहुत टाइम नहीं लेते हैं उसके बाद ये ख़त्म हो गया फिर ब्रेन कहता है अच्छा ये तो हमने देख लिया लेकिन अब हम करें क्या तो हम जाते हैं फिर सेकेंडरी अप्रेजल पर कि अगर हमने सोचा कि अच्छा ये सिचुएशन स्ट्रेसफुल है अब हम उस पर क्या काम करेंगे उससे हम लड़ेंगे या हम उससे भागेंगे जो हमने बिगिनिंग में फाइट और फ्लाइट की बात की थी वो सेकेंडरी अप्रेजल में जाके आता है ओके okay. ओके okay. फिर है दूसरी चीज़ आती है अच्छा अगर हम सोच रहे हैं हम फाइट करेंगे तो उसमें हमें क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए मेंटल फिजिकल पर्सनल या सोशल हमें पेरेंट्स की हेल्प लेनी है अपना दिमाग लगाना है ताकत लगानी है या सोसाइटी की हेल्प चाहिए कैसे उस सिचुएशन को डील करेंगे जो लास्ट है वो है कि सोशल सपोर्ट है वो धीरे धीरे कैसे ख़त्म हो रही है या हम कैसे उस सिचुएशन से डील करके नेक्स्ट स्टेप पे जा रहे हैं लाइफ के इसको हम डिवाइड करते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी अप्रेजल में अब जब हम बात कर रहे हैं स्ट्रेस की ये एक बहुत कॉमन मॉडल है जब हम स्ट्रेस की बात करते हैं इसको हम बोलते हैं गैस मॉडल इसको डिफाइन करते हैं सिंपल जनरल अडेप्टशन सिंड्रोम अगर हम देखें अभी सर्दियाँ हैं सब बच्चे कंप्लेन कर रहे हैं हाई है, बहुत सर्दी है छुट्टी हो जानी चाहिए तो गैस मॉडल क्या कहता है पहला अलार्म स्टेज की हाई बहुत सर्दी है बहुत सर्दी है बहुत सर्दी है दूसरा है रेजिस्टेंस चलो मैनेज कर लेंगे कपड़े पहन लिए हीटर लगा लिया रेजिस्टेंस हो रहा है थर्ड स्टेज है exhaustion. भाई बहुत ठंड हो गई अब तो इतने दिनों से जब हम, बात करते हैं, की, तो हम उसमें हैं कि अच्छा, भी हो सकती है। okay. इसमें अगर हम बात कर रहे हैं ये हर सिचुएशन के तीनों स्टेजेस रहते हैं तो ये हर सिचुएशन पे हम लगा सकते हैं कहीं पे इसको ज्यादा एक्सटेंट में यूज होता है कहीं वो कम एक्सटेंड में यूज होता है लेकिन हम बोलते हैं ना एडजस्टमेंट हो गई तो मतलब आपने गैस मॉडल को यूज किया okay. है ओके ओके दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग यही इसी चीज को हमने एक ग्राफ uh, में एक्सप्लेन किया है कैसे पहले अलार्म है एकदम से फिर एक स्टेज ऑफ रेजिस्टेंस है और फिर एक स्टेज ऑफ एग्जॉशन है ओके okay. इसके बाद हम जा रहे हैं कि कॉजेज क्या है स्ट्रेस तो है लेकिन उसका कॉज क्या है हुँ. हम बोलते हैं कॉजेज एक इंटरनल होते हैं एक्सटर्नल होते हैं इंटरनल की जब हम बात कर रहे हैं वो बायोलॉजिकल हैं फिज या फिर साइकोलॉजिकल हैं और जब हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल की वो है आपकी सिचुएशन से रिलेटेड आपके सोसाइटी या आपके माहौल या इन्वायरमेंट से रिलेटेड है ठीक है अब टाइप्स क्या है स्ट्रेस के जो कॉजेज हैं उनके क्या हैं पहला हमने कहा फिजिकल और इन्वायरमेंटल है दूसरा साइकोलॉजिकल है तीसरा सोशल है इसी को अब हम थोड़ा एलेबोरेट कर लेते हैं जब हम बात कर रहे हैं फिजिकल स्ट्रेस की फिजिकल स्ट्रेस बेसिकली कोई भी है जो आपकी बॉडी पे डायरेक्ट इम्पेक्ट कर रहा है जैसे फॉर एग्जांपल हम ट्रैवल कर रहे हैं तो हमें बहुत सारा लगेज उठाना पड़ रहा है और उसको लगेज को लेके बहुत दूर तक हमें जाना है चाहे हम वो कैंपिंग कर रहे हैं चाहे वो हमारी बॉडी पे स्ट्रेस कर रहा है वो हमारा फिजिकल स्ट्रेसर है ठीक है वो सामान उठाने के कारण भी हो सकता है वो लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स के कारण हो सकता है वो हमें नींद नहीं पूरी हो रही है उसके कारण भी हो सकता है नेक्स्ट है आपका इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस अब हम सब देखते हैं हम एक अपने इन्वायरमेंट से कह लो एडजस्टेड है जो गर्मी में रहते हैं उनको गर्मी की आदत है जो सर्दी में रहते हैं उनको सर्दी की आदत है लेकिन जब हम इन्वायरमेंटल स्ट्रेस की बात कर रहे हैं हम गर्मी में बैठे हैं लाइट चली गई ऊपर से बहुत शोर आ रहा है क्या होता है हम चिड़चिड़े हो जाते हैं तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की जब हम बात करते हैं काजेज की वो क्या है एयर पोल्यूशन बहुत सारा शोर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं बहुत गर्मी या फिर नेचुरल डिजास्टर्स हैं ये yes. अर्थक्वेक है या वोल्केनो इप्शन है सुनामी हाँ जो हमारे कंट्रोल में नहीं, नहीं है ये इन्वायरमेंटल कॉजेज हैं नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल कॉजेज अब साइकोलॉकल जो साइकोलॉजिकल कॉजेज हैं वो दिखते नहीं हैं वो हमारे खुद के बनाए हमारे ही दिमाग में है अब हो सकता है कि वो पापा से डांट पड़ गई मम्मा से डांट पड़ गई अब हमने मन में बना ली धारणा कि अच्छा ऐसे हुआ अब डांट पड़ेगी अब हमने ये कर दिया वो दिख नहीं रहा है लेकिन हम अपने दिमाग में ही बहुत सारा इकट्ठा करके खिचड़ी बना के स्ट्रेस लेके बैठ गए कि अच्छा अब घर जाएंगे तो पिटाई होगी खूब सी तो वो इंटरनल है अब जो इंटरनल हम साइकोलॉजिकल स्ट्रेसेस की बात करते हैं वो हर इंसान का अलग है राइट right. चाहे वो एक ही घर में भी रहते हैं एक ही जैसे हैं फिर भी वो हर सिचुएशन को डिफरेंटली परसीव करेंगे तो मैम किसी स्टूडेंट पे या कोई बच्चा है या कोई पर्सन है वो चाहे तो उस बात को बहुत डीपली ले सकता है वहीं हाँ। दूसरे को हो सकता है उस बात से बिल्कुल फर्क ना बिल्कुल पड़ता हुँ। हुँ। और ऐसा होता है अमूमन हम क्लासरूम्स में देखते हैं क्लास में डांट पड़ रही है कि नहीं तीन चार बच्चों को तो दो हैं जिनको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा है डांट पड़ रही है एक है जो थोड़ा सीरियस हो जाएगा एक है जो बिल्कुल घबरा जाएगा क्यों क्योंकि वो हमने अपने दिमाग में बनाया है कि हमें वो स्ट्रेस कैसे इफेक्ट कर है, रहा है जी, जी ये बहुत बहुत स्ट्रेंज है 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 यूनिक पर ऐसा होता है। तो जब हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल की तो वो फ्रस्ट्रेशन के कारण भी है कॉन्फ्लिक्ट हमारे अपने इंटरनल प्रेशर्स हैं क्योंकि हम हर कोई अपना जो प्रॉब्लम्स है हम सबका डील करने का तरीका अपना है जी कईयों का है सोशल प्रेशर भी हैं हमारा फैमिली बैकग्राउंड कैसा है हम कैसे घर से आते हैं उन अब जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया हमने डांट वाला कई कई बच्चे इसलिए परेशान हो जाएंगे क्यों घर फोन चला गया तो क्या होगा राइट कईयों को फर्क ही नहीं पड़ता कर लो क्या होगा घर में डांट खा लेंगे डांट ही पड़ेगी तो वो सोशल प्रेशर पे भी डिपेंड करता है ओके इसके इफेक्ट्स क्या है कॉजेस तो हो गए बट उसका हमें क्या इफेक्ट पड़ता है और और मैम जो स्टूडेंट्स हैं उनकी डेली लाइफ पे कैसे डायरेक्ट इफेक्ट करता बहुत करता है है बहुत सी आजकल के टाइम पे अगर हम वैसे भी देखें तो बच्चे थोड़ा ज्यादा सेंसिटिव है हुँ। तो हुँ। उनके लिए सबसे ज्यादा जो इफेक्ट है वो इमोशनल होता है हम तभी आजकल स्कूल्स में बार बार मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं exactly. जैसे आपने भी बिगिन किया कि मेंटल हेल्थ पे बहुत इफेक्ट हो रहा है तो इमोशनल जो इफेक्ट है वो सबसे ज्यादा है फिजियोलॉजिकल hmm. हाँ कुछ बच्चे दिखाते हैं कि उनको जैसे हमने कहा एग्जाम्पल दिया कि सिम्टम्स है कि पेट खराब हो गया कईयों को होगा एग्जाइटी होगी स्ट्रेस होगा स्टमक अपसेट हो जाएगा right. ठीक है hmm. ये बेसिकली ये दो चीजें कॉमन है जब हम बात कर रहे हैं बिहेवियरल या कग्नेटिव इफेक्ट्स की वो भी है पर देन वो डिपेंड करता है कि कौन बच्चा किस हिसाब से काम कर रहा है हम अब आ रहे हैं कोपिंग विथ स्ट्रेस स्ट्रेस तो है लेकिन उससे मैनेज कैसे करें कैसे उस पर काम करें कि हमें वो हमारी लाइफ में वो स्ट्रेस एक बहुत बड़ा पहाड़ ना बन जाए इसके तीन तरीके हैं एंडलर और पाकर दो साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ये दिए हैं पहले बोलते हैं टास्क ओरिएंटेड दूसरा है इमोशंस ओरिएंटेड थर्ड है अवॉइडेंस ओरिएंटेड अब हम इसको कैसे एक्सप्लेन करें टास्क ओरिएंटेड कहता है कि आप उस स्ट्रेस को से समझो क्या है उसमें उस, उसको आप प्रायोरिटाइज करो और उसके हिसाब से उस पर आप काम करो कि अच्छा हम इस पर क्या करें कि ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन हट जाए इमोशनल ओरिएंटेड कहता है कि हम उसको इमोशनली मैनेज करें कि अच्छा ये जो सिचुएशन है या स्ट्रेसफुल स्ट्रेस जो भी है मेरा इसको मैं बात करके ठीक कर सकता हूँ इसमें हम बोलते हैं होप उम्मीद जो ज़्यादा होपफुल हैं लोग उनके लिए इमोशन ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी ज़्यादा काम करती है क्यों क्योंकि वो सोचते हैं कि हर चीज़ के बाद एक पॉजिटिव एंड निकल निकल ही आएगा hmm. उनके लिए ये बहुत काम करती है इसमें क्या करते हैं आप किसी से जब हम इमोशन ओरिएंटेड स्ट्रैटी की बात कर रहे हैं किसी पे चिल्ला के आप गुस्सा निकाल लेते right. हैं कई लोग हैं वो जो अपने किसी से बात करते हैं मन हल्का कर लिया कई कहते हैं कि अच्छा छोड़ो कुछ नहीं जो होगा देखा जाएगा hmm. ये सारा इमोशन ओरिएटेड स्ट्रैटेजी है तीसरा है अवॉइडेंस ओरिएटेड इसमें हम के देखते हैं कि हम जो भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है उसको कैसे मिनिमाइज करें उसका जो सीरियसनेस है hmm. उससे हम कैसे बचें या फिर हम उसको कैसे अवॉइड करें अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए निकल hmm. लें okay. भाग लें ले, ले. <laughs> hmm. अब अगर हम इसकी बात करें मैनेजमेंट hmm. अब हम कैसे बोलें कि अच्छा स्ट्रेस है तो अल्टीमेटली जब हम बात करते हैं ओवरऑल लाइफ की hmm. या हम अपने साइकोलॉजी की बात करें तो हम देखते हैं बहुत सी चीजें जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं ना तो आधी से ज्यादा प्रॉब्लम हमारी वहीं खत्म हो जाती है अब इसमें मैं आपको कुछ चीजें बता रही हूं कि हम कैसे स्ट्रेस को मैनेज कर सके पहला कैसे आप सिचुएशन को देख रहे हैं उसका नजरिया बदले चेंज हाउ यू सी दिचुएशन क्या पता कि जो आपको नेगेटिव लग रहा है शायद उसमें से आप कुछ सीख लें उसको पॉजिटिव बना लें नजरिया बदल गया आपका दूसरा एक रियलिस्टिक गोल्स बना के चलिए ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स हैं अरे हमको तो नाइन्टी परसेंट लेना ही लेना है इतना स्ट्रेस है पर क्या मालूम कि वो बच्चा एकेडमिक्स में उतना अच्छा, अच्छा है ही नहीं एवरेज स्टूडेंट hmm. है hmm. तो वो इतना अचीव करके सोच के चले कि अच्छा नाइन्टी नहीं तो सेवेंटी एटी तो मैं ले ही लूँगा अचीवेबल गोल्स हैं तीसरा एक्सरसाइज करें क्यों hmm. क्योंकि जब हम फिज़िकली एक्सरसाइज कर रहे हैं हमारी बॉडी पॉजिटिव हॉर्मोन्स छोड़ती है जो हमें स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में हेल्प करती है नेक्स्ट अपने फैमिली और फ्रेंड्स की हेल्प लें हर चीज अपने अंदर ना दबा के रखें टॉक टू पीपल हु आर क्लोज टू यू हु कैन हेल्प यू तीसरा अपनी नींद पूरी करें आजकल के टाइम में मोबाइल ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं बच्चे नींद कम ले रहे हैं तीसरा रिलैक्सेशन टेक्निक्स करें रिलैक्सेशन टेक्निक्स टिक्स मीन बहुत लोग सोचते हैं कि हम बात कर रहे हैं वो मेडिटेशन की बात कर रहे हैं रिलैक्सेशन टेक्निक्स है कि आप कुछ भी ऐसी चीज कीजिए जो आपको खुशी देती है और उसमें, उसमें कुछ भी हो सकता है उसमें कुछ भी हो सकता है डांस हो सकता है म्यूजिक हो, हो, हो सकता है कुछ भी जो आपको इंजॉय थोड़ा आपको खुशी देता हो वो किसी से बात करना भी हो सकता है एग्जैक्टली नेक्स्ट एक तरह का प्रायोरिटी करो फाइंड आउट करो कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है क्या इम्पॉर्टेंट नहीं है उस सिचुएशन में से hmm. ठीक है नेक्स्ट है रिफ्रेम योर थॉट्स अब ये एक अगेन रिसर्च बहुत कॉमन हो रहा है इस पर कि एक कोई नेगेटिव सिचुएशन भी है उसको भी अगर आप पॉजिटिवली सोचें तो वो एक्चुअली एंड रिजल्ट अच्छा होता है hmm. ये कैंसर पेशेंट्स में भी देखा गया है डिसबिलिटी hmm. में देखा गया है कि जो अगे अभी हमें हमारे एक रहे हैं गीता देवी है शायद उनका नाम आर्चर है जिनके हैंड्स नहीं है शी इज़ वन मेडल्स वो क्या है रीफ्रेमिंग ऑफ थॉट्स है इनस्टेड ऑफ थिंकिंग कि मैं डिसेबल्ड हूँ शी इज़ वन मेडल्स फॉर द कंट्री ठीक है नेक्स्ट है अपनी प्रायोरिटीज सेट करें कि भाई मेरे लिए सबसे पहले इस टाइम पे इम्पॉर्टेंट क्या है वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन को देखना या अपनी लाइफ में कुछ और चीज़ें करना एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है फूड एंड डाइट हम क्या खा रहे हैं वो हमारी हेल्थ पे इफेक्ट करता है वो हमारी साइकोलॉजी पर भी इफेक्ट करता है तो फूड एंड डाइट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट नेक्स्ट लास्ट हम देखें अपना कंट्रोल लीजिए एक्सट्रीमिटीज की बात मत कीजिए जो हम कहते हैं कि नहीं ये गलत है तो ये गलत ही है एक मिडल रा देखना जरूरी है दिस इज हाउ वी कैन मैनेज स्ट्रेस ओके तो ये तो बात हुई स्ट्रेस मैनेजमेंट की मुझे लगता है कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ हैं बच्चे हैं ट्वेल्थ स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए हम ये सेशन लेकर आए आएँ लेकिन बिसाइड्स ट्वेल्थ स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स जितने भी स्टूडेंट्स हैं व्यूवर्स हैं उन सबके कुछ अपने अपने मैनेजमेंट सिस्टम्स होंगे कुछ मैनेजमेंट के तरीके होंगे जैसे मैम ने आपको बताया कि कुछ भी ले सकते हैं True. और ज़्यादा से ज़्यादा आप ये सिस्टम्स यूज कर सकते हैं तो उतना ही आपके लिए अच्छा है लेकिन अभी हम जाएँगे अपने कीवर्ड सेक्शन की ओर और, और हमारे पास समय है कि हम की की तरफ बढ़ें और एज़ यूजल वी हैव थ्री कीवर्ड्स फॉर दिस सेशन हमारा आज का पहला कीवर्ड है स्ट्रेस हमारा आज का दूसरा कीवर्ड है कोपिंग तीसरा कीवर्ड है पॉजिटिव हेल्थ तो ये तो बात नहीं की की मैम आपके पास हमारे बच्चों के लिए होमवर्क होगा प्लीज आप उसे एक्सप्लेन कीजिए मैम ओके हमारे पास क्वेश्चंस हैं होमवर्क के लिए पहला है नेचर क्या है स्ट्रेस का डिस्कस द नेचर ऑफ स्ट्रेस दूसरा है सम इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस आर डैश 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 एंड डैश बहुत सारे डैशेज हैं बट आपके पास ऑप्शंस भी बहुत सारे हैं ओके नेक्स्ट है हमारा मॉडिफाइड होमवर्क उन बच्चों के लिए जो डिसेबल्ड है वो है इन विच काइंड ऑफ स्ट्रेस पीपल फील एंगजाइटी वरी अबाउट प्रॉब्लम्स और बिकम डिप्रेस्ड इनमें से कौन सा स्ट्रेस है जिसमें लोग एंशियस होते हैं बहुत परेशान होते हैं टेंशन लेते हैं या डिप्रेस हो जाते हैं ए साइकोलॉजिकल स्ट्रेस बी फिज़िकल स्ट्रेस सी सोशल स्ट्रेस डी नन तो ये तो रहा मॉडिफाइड होमवर्क हम अब होमवर्क सबमिशन फॉर्मेट की ओर बढ़ेंगे और बच्चों आपको ये होमवर्क हमें भेजना है इस फॉर्मेट में सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है देन यू हैव टू राइट योर क्लास योर स्कूल नेम एंड एड्रेस आज के एक्सपर्ट का नाम आज के सेशन की डेट देन योर फोटोग्राफ डैट इज़ कम्प्लीटली ऑप्शनल आप लगाएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा और इसे आपको भेजना हमारे ई मेल एड्रेस पर जो है डी टी एच डॉट क्लास ट्वेल्थ एट द रेट सी आई टी डॉट एन आई सी डॉट आई एन तो आप इस ईमेल एड्रेस पर अपना होमवर्क हमें भेज सकते हैं और अब जाने का समय हो गया लेकिन मैम बहुत ही ब्रीफ में हम आपसे जानना चाहेंगे इफ यू टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर सेशन हमारे जो स्पेशल नीड बच्चे हैं mm -hmm. वो इस सेशन से कितनी हेल्प ले सकते हैं मैम किस तरह से उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है hmm. हम बात करते हैं जब स्ट्रेस की hmm. तो नॉर्मल बच्चों को तो स्ट्रेस है या नॉर्मल किसी को भी स्ट्रेस है लेकिन जब हम बात करते हैं चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स उनकी लाइफ तो ऑलरेडी ज्यादा स्ट्रेसफुल है क्यों hmm. क्योंकि उनकी लाइफ में ज्यादा चैलेंजेस हैं तो उनके लिए अगर हम बात करें स्ट्रेस के लिए तो जो है हमने स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात की तो उनके लिए प्रायोरिटी अपने लाइफ में करना बहुत जरूरी है hmm. कि उनके लिए इम्पोर्टेंट क्या है आप जब प्रायोरिटाइज करते हैं आधी प्रॉब्लम्स आपकी वैसे ही सॉल्व हो जाती हैं नेक्स्ट हम बात करें आप अपने आपकी फैमिली या फ्रेंड्स की हेल्प लें थैंक्स टू द गवर्नमेंट पॉलिसीज थैंक्स टू द अवेयरनेस आज के टाइम पे टीचर्स को भी बहुत अवेयरनेस है आप अपने टीचर्स से बात कीजिए आप अपने पेरेंट्स से बात कीजिए कि अच्छा हमें ये करना है वो आपको रिसोर्सेज ला देंगे कि कैसे करना है आपको नेक्स्ट आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ चिल्ड्रन विद डिसबिलिटीज के लिए जो नेगेटिविटी है और उनके आसपास बहुत ज्यादा है क्योंकि अभी भी बहुत से लोग हैं जिनको अवेयरनेस नहीं है इन चीजों के बारे में हुँ. तो नेगेटिविटी है एक तरह से उसके लिए उनको माइंड ब्लॉक बनाना है जी कि हमें कैसे उन चीजों को इग्नोर करना है जो हमें नीचे खींच रही हैं हमें आगे बढ़ना है उसके लिए हम क्या करते हैं सजेशंस देते हैं कि आप रोल मॉडल्स चूज कीजिए ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने विद डिसबिलिटीज बहुत कुछ लाइफ में अचीव किया है आई अंडरस्टैंड आसान नहीं होगा बट कहीं ना कहीं से तो प्रेरणा लेनी है एक्सैक्टली exactly. कहीं ना कहीं से प्रेरणा लेनी है और हमारे सभी स्टूडेंट्स को प्रेरणा लेनी है ताकि आप स्ट्रेस से डील कर पाएं उसे मैनेज कर पाए स्ट्रेस आप मैम हम रिमूव नहीं कर सकते अपनी लाइफ से लेकिन कोप करना आना हाँ। चाहिए उसे

जीने की बात करें और इस सत्र को हमें यहाँ पर वाइंडअप करना होगा समाप्त करना होगा क्योंकि समय हमें अनुमति नहीं दे रहा है कि हम इसे आगे बढ़ाएं। लेकिन जाने से पहले हम अपनी एक्सपर्ट विदिना माम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं थैंक यू सो वेरी मच कि आप हमसे जुड़े और आपने इतनी अच्छी बातें हमारे सभी व्यूवर्स के साथ शेयर की थैंक यू सो वेरी मच और यहाँ पर सावरी हम आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे और जाने से पहले एक ज़रूरी बात हम आपके साथ साझा करने चाहेंगे अपने ई कंटेंट प्रतियोगिता के बारे में जो आपको अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर नज़र आ रहा है ये अखिल भारतीय बाल शैक्षिक ई कॉन्टेंट प्रतियोगिता है दो हज़ार की और हमें आपको ये बताते हुए बेहद हर्ष हो रहा है कि सी आई इस वर्ष के लिए अखिल भारतीय बच्चों की शैक्षिक ई कॉन्टेंट प्रतियोगिता की घोषणा कर चुका है यदि आप एक शिक्षक शिक्षक प्रशिक्षक छात्र या फिर स्वतंत्र शैक्षिक ई कंटेंट निर्माता हैं तो आप आप इस प्रतियोगिता के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ ई कंटेंट भेजने के लिए आमंत्रित हैं अधिक जानकारी के लिए आप ये क्यू आर कोड स्कैन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं और इसे आप स्कैन करेंगे तो सीधे आप हमारी वेबसाइट पर जाएंगे और ज़्यादा जानकारी प्राप्त करेंगे और हम आपको बता दें कि प्रविष्टियाँ भेजने की अंतिम तिथि 20 जनवरी 2024 है याद रखें 20 जनवरी 2024 आपकी प्रविष्टियां भेजने की अंतिम तिथि है और इसी के साथ मैं रेणु भट्ट ले लेती हूं आप सभी से अनुमति लेकिन आप बने रहें ई विद्या चैनल्स और एन सी आर टी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर अधिक ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों के लिए इस कार्यक्रम को आप हमारे एन सी आर टी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर बाद में देख सकते हैं नमस्कार